Hello everyone, my name is Milan Gupta and you are watching me on my YouTube channel MG Edutainment. दोस्तों अगर आप NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है, क्योंकि आप लोगों के अक्टूबर के जो एग्जाम इस साल होने वाले थे 2021 के अंदर, आप उसमें अपीयर होने वाले हैं, लेकिन डेटशीट की प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों के एग्जाम को लेकर आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी है एंड यू डोंट नो दैट व्हेन योर एग्जाम्स आर अबाउट टू बी हैपनिंग, राइट। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं इस वीडियो में कि एक बहुत अच्छी खुशखबरी है आज NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आप पूरे पॉइंट को समझ पाएं कि मैं आपको क्या न्यूज देने वाला हूं, राइट। सबसे पहले मैं आपको बताऊं NIOS स्टेप बैक, यानी कि NIOS के जो, जैसे कि आपने प्रीवियस कई सालों में देखा होगा, NIOS जब भी अपने एग्जाम लेता है तो अक्टूबर में फाइनली एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट वीक के अंदर या हार्डली सेकेंड वीक के अंदर स्टार्ट हो जाते हैं, और डेटशीट जो है वो हमारी प्रैक्टिकल के साथ रिलीज हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, आप भी जानते हैं इस बार सिर्फ प्रैक्टिकल की डेटशीट पहले रिलीज कर दी गई, लेकिन जो मेन थ्योरी की डेटशीट थी वो रिलीज NIOS ने नहीं करी। रीजन उसके दो थे जिसकी वजह से वो डेटशीट रिलीज नहीं हुई। अब तो शायद पूरे इंडिया के सभी NIOS के स्टूडेंट्स को, चाहे वो 10th के हो या 12th के हो, उनको ये आइडिया लग चुका है कि डेटशीट रिलीज क्यों नहीं की गई। दो मेजर कारण थे जिसकी वजह से NIOS ने स्टेप बैक किया है। स्टेप बैक का मतलब यहां पर क्या है मैं आपको बता दूं, स्टेप बैक का मतलब है कि NIOS बोर्ड ने अभी तक डेटशीट रिलीज नहीं की है और इसमें डिले किया है। डिले करने का मतलब है कि एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। जब कोई चीज डिले होती है, डिले को ही तो पोस्टपोन बोलते हैं ना, और अगर अक्टूबर में अभी तक एग्जाम्स नहीं हुए हैं तो आप इसको क्या बोलेंगे, ये आप डिसाइड कीजिए क्या ये पोस्टपोन नहीं है। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि पोस्टपोन कितना होगा। देखिए NIOS ने जो स्टेप बैक किया है उसके दो रीजन थे जो सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं। पहला रीजन, NIOS को प्रॉब्लम यह है कि कोविड की जो सिचुएशन है, हमारे इंडिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर 11 से ज्यादा ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना की बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति क्रिएट होने वाली है, यानी कि वहां पर कुछ पेशेंट्स रोज डेली बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह से, और जिस तरह से बताया जा रहा है कि फेस्टिवल्स भी वेरी नियर अबाउट हैं, जिसकी वजह से ये कोरोना के जो संक्रमण है ये बहुत तेजी से बढ़ने की पूरी आशंका है। तो अगर ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो उस सिचुएशन के अंदर NIOS को अपने एग्जाम्स को बीच में ही रोकना पड़ेगा, स्थगित करना पड़ेगा, राइट। तो इसीलिए एक तो ये कारण है कि कई सारे राज्यों में NIOS के स्टूडेंट्स हैं 10th के 12th के, उनको भी एग्जाम्स देना है, लेकिन उन राज्यों के अंदर कोरोना की जो थर्ड वेव की जो सिचुएशन चल रही है उसको मद्देनजर रखते हुए NIOS बोर्ड ने अपनी डेटशीट को रोका, राइट। इसलिए आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिकल्स के एग्जाम्स ले लिए गए। TMA आपके 31 अक्टूबर को ही फाइनलाइज हो गए थे, राइट। उनके मार्क्स भी आप सब अपने स्टूडेंट पोर्टल पर देख सकते हैं। प्रैक्टिकल के भी मार्क्स लगभग अब चालू हो गए हैं, वहां पे नंबर चढ़ने शुरू हो गए हैं। वो आपको NIOS बोर्ड के पास आपकी दो मेन आपके आंसर्स आ गए। एक तो आपका TMA का प्रॉब्लम था, उसका आंसर आ गया NIOS के पास, उनके नंबर मिल चुके हैं। दूसरा जो आपका प्रैक्टिकल था, वो बच्चों ने प्रैक्टिकल से दिए, उसके नंबर भी उनके पास आ गए, तो दो आंसर्स मिल गए। अब तीसरा आंसर था आपका थ्योरी का, जो आप करके आते और NIOS को वो भी मिल जाता और मार्क्स आपको चल जाते, लेकिन वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। तो NIOS ने ये दो मेजर रीजन की वजह से कि उनको एक तो कोरोना का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और दूसरा ये कि जिन स्टेट के अंदर, पूरे इंडिया में हर राज्य के अंदर एक सिचुएशन है कि जो भी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, वहां पर लिमिटेड क्लासेस चल रही है 9वीं क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, वो भी बड़ी सावधानी के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर कि आप गाड़ी लेके भी कहीं जाते हैं तो आपको मास्क होना चाहिए आपके फेस के ऊपर, इस तरह की सरकार ने जो है प्रतिबंध लगा रखे हैं, तो उसी तरीके से आप ये भी जानते हैं कि स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा भीड़ को लेकर भी प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी कि किसी स्कूल में अगर पढ़ाई हो रही है तो लिमिटेड बच्चे वहां पर जा पा रहे हैं। ऐसे में NIOS अपने 1.5 लाख बच्चों को एग्जाम्स कौन से स्टडी सेंटर में करवाएगा, क्योंकि स्टडी सेंटर कई ऐसे हैं जहां पर प्रतिबंध है, यानी कि वहां पर बच्चे अलाउड नहीं है या वो प्रॉपर तरीके से बंद है, पिछले 1.5 साल से स्टडी सेंटर्स ओपन नहीं है। तो NIOS बोर्ड को एक मेजर प्रॉब्लम ये भी है कि उनको वो जगह नहीं मिल रही जहां वो आप लोगों को बुलाए और आपके एग्जाम्स कंडक्ट करे। तो ये दो मेजर रीजन होगा, एक तो कोरोना का प्रॉब्लम, थर्ड वेव का कई राज्यों के अंदर प्रॉब्लम है, और दूसरा जो स्टडी सेंटर की सही से अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई और आपका जो डेटशीट है वो फाइनली पोस्टपोन किया जा रहा है, डेटशीट को टाला जा रहा है, और जितना डेटशीट लेट हो रहा है इसी को तो हम पोस्टपोन बोलते हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड पोस्टपोन। तो ये सिचुएशन है, NIOS ने स्टेप बैक किया हुआ है। तो गाइज यहां पर हम बात कर रहे हैं 3 मेजर प्रायोरिटीज फॉर स्टूडेंट्स, यानी कि विद्यार्थियों के लिए वो 3 ऐसी क्या मेजर प्रायोरिटीज हैं जो उनको मिलनी चाहिए। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आप लोगों को भी पता है कि स्टूडेंट्स का सबसे मेजर प्रॉब्लम है, इंडिया में जितने भी NIOS के 10th और 12th क्लास के स्टूडेंट हैं उसमें से लगभग अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं एक अनुमान बताऊं आपको, एक एजम्पशन के साथ मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम
60% ऐसे बच्चे हैं जिनका ये मानना है कि उनको बुक्स अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, यानी कि बुक्स अवेलेबल नहीं हुई। आपको पता है अभी हाल ही में रिसेंटली जो पोस्ट हुआ था ट्विटर पे, जहाँ पे अनुभा मैम ने एक मैसेज किया था एनएमएस बोर्ड के लिए कि बच्चों के लिए अभी किताबें अवेलेबल नहीं कराई गई तो बच्चे जो हैं एग्जाम्स कैसे अपने अपीयर कर पाएंगे, उनकी तैयारी सही से नहीं हो पाई। इस पर एनआईओएस ने 3.5 घंटे के अंदर रिप्लाई किया था कि हमने अपनी बुक्स जो हैं, हमने बच्चों की जो बुक्स हैं वो अपने साइड से, अपने एंड से बच्चों को सेंड कर दी गई हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है वो अपने इनरोलमेंट नंबर हमें दें और हम उस पर चेक करेंगे कि क्या उस बच्चे को वास्तव में बुक्स हमने यहाँ से सेंड की थी कि नहीं की थी। अब मैं आपको एक ओवरऑल प्रोसेस बताऊँ तो एनआईओएस बोर्ड से जब किताबें रिलीज होती हैं, यानी कि बुक्स जो आपका स्टडी मटीरियल रिलीज होता है, तो वो जाता है सीधा पोस्ट ऑफिस के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाता है, उसके बाद जाता है आपके नज़दीकी स्टडी सेंटर्स पर। और इधर दूसरा मेजर प्रॉब्लम क्या था, बहुत सारे बच्चे ये कह रहे थे कि उनके स्टडी सेंटर्स में जब वो गए तो वो बंद पड़े हुए थे, यानी कि कुछ ऐसे स्टडी सेंटर्स भी हैं पूरे इंडिया के अंदर एनआईओएस बोर्ड के जो कि पिछले 1.5 साल से बंद पड़े हुए, वहां पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, उनके तो गेट्स ही ओपन नहीं हुए। तो सोच के देखिए, अगर ऐसी सिचुएशन बनी हुई है तो बच्चों को वहां पर बुक कैसे मिल सकती थी। इसीलिए स्टूडेंट्स को बुक्स नहीं मिल पाई, एनआईओएस बोर्ड ने रिलीज कर दी मैं मानता हूं, लेकिन स्टूडेंट्स तक तो बुक नहीं पहुंच पाई ना। और जब स्टूडेंट्स तक बुक नहीं पहुंच पाई तो वो आखिर पढ़ाई कैसे करते। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नए हैं एनआईओएस बोर्ड के अंदर, उनको नहीं मालूम कि हम मेल भी कर सकते हैं एनआईओएस बोर्ड के साथ, या 1800 जो नंबर होता है उनका टोल फ्री, उस पर भी कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। और कई स्टूडेंट्स का तो ये भी कहना है कि मेल करने का कोई बेनिफिट नहीं है, वहां से रिप्लाई नहीं आ पाता आसानी से, और साथ में 1800 जो उन्होंने टोल फ्री नंबर दिया है वो अक्सर व्यस्त जाता है, उसमें बड़ी बड़ी क्यूज होती है, क्यू नंबर 38, 39 काउंटिंग चलती रहती है। इवन आई ट्राइड सम मोर टाइम्स एंड found the same thing that the students are telling ki wahan par counting chalti rehti hai, I thought about that, right? तो मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि जो मेजर प्रॉब्लम थी बच्चों की वो यही थी कि उनके पास बुक्स टाइम से नहीं पहुंची, कि वो पढ़ाई नहीं कर पाए। दूसरा स्टूडेंट का मेन जो प्रायोरिटी बनता है कि वो उनको क्वेश्चन करना चाहिए एनआईओएस से, वो दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट्स के पास किताबें नहीं पहुंची, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि स्टडी सेंटर्स जब बंद पड़े हुए थे तो वहां पर बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाई, किस तरह से पढ़ाई की जाती है, टीएमए कब सबमिट करते हैं, प्रैक्टिकल्स कब सबमिट करते हैं, पीसीपी की क्लासेस मिस कर दी कई सारे बच्चों ने, क्योंकि एनआईओएस में जो नए बच्चे होते हैं उनको एनआईओएस बोर्ड के अलग अलग तरीके की जो फॉर्मेलिटीज होती है उसके बारे में जानकारी नहीं होती। अब जब ऐसी सिचुएशन बनती है कि स्टूडेंट को ये नहीं पता कि किस तरह से काम किया जाता है एनआईओएस बोर्ड के अंदर, किस तरह से टीएमए होते हैं, प्रैक्टिकल्स कैसे होते हैं, थ्योरेटिकल एग्जाम कैसे होते हैं, हॉल टिकट क्या होता है, कई स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो इन सब की जानकारी के लिए स्टडी सेंटर बनाए गए थे जहां पे बच्चों को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी। जब स्टडी सेंटर्स में बच्चों को गेट से ही रिटर्न किया जा रहा था, उनके पेरेंट्स के साथ उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, तो स्टडी सेंटर्स की बहुत बड़ी लापरवाही रही है कहीं ना कहीं इस बार, और इससे कहीं ना कहीं एनआईओएस बोर्ड भी अनजान है, जिसकी वजह से वो अपने कानों में रुई ठूस के बैठा हुआ है, वो बच्चों की प्रॉब्लम को सुन नहीं पा रहा है, राइट? तो स्टूडेंट्स स्टडी सेंटर में पढ़ाई नहीं कर पाए, वहां पर जानकारी नहीं ले पाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं ले पाए, किसी भी तरह का स्टडी से रिलेटेड कोई भी हेल्प स्टूडेंट्स को नहीं मिला, तो ये भी सेकंड एक मेजर क्वेश्चन है कि एनआईओएस के जो स्टूडेंट्स हैं 10th और 12th क्लास के, तो वो आखिर किस बेस पे अपने एग्जाम्स में अपीयर करें, यानी कि वो अपने एग्जाम्स के लिए रेडी तो नहीं है ना, क्योंकि एनआईओएस बोर्ड ने किसी भी तरह से कोई भी सपोर्ट और हेल्प नहीं करा। अब एनआईओएस बोर्ड का और कई लोगों का ये कहना है कि अगर किताबें ही चाहिए थी तो हमारा वेट क्यों करा, आप मार्केट से भी खरीद सकते थे। तो मेरा यहाँ पर एक सवाल एनआईओएस बोर्ड से पर्सनली बनता है, जो मैं चाहता हूँ कि आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए, वो ये क्वेश्चन है कि एनआईओएस बोर्ड जब आपसे रजिस्ट्रेशन फीस लेता है तो उसके अंदर बुक्स और मटेरियल का सारा पैसा पहले से ही इंक्लूड होता है, ये एनआईओएस की वेबसाइट पे लिखा हुआ है। अब बच्चों को किताबें मिली नहीं, कहा उनको ये जा रहा है कि आप अदर स्टडी मटेरियल मार्केट से लीजिए और वहां से स्टडी कीजिए, तो फिर वो पैसा बच्चों से क्यों लिया गया, क्या ये पैसा ऐठने का काम नहीं है, मेरा सवाल है, राइट? अब यहां पर बात कर लेते हैं कि थर्ड मेजर प्रायोरिटी स्टूडेंट की क्या है। स्टूडेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर क्वेश्चन जो होना भी चाहिए आज की डेट में एनआईओएस बोर्ड के लिए, वो ये है कि कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, कई सारे बच्चे हैं जो अभी अंडर 18 हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, कुछ नहीं इवन कि सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है। तो एक तरफ इंडिया वैक्सीनेशन ले रहा है, दूसरी तरफ एनआईओएस के 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे जो एग्जाम्स देंगे और वो वैक्सीनेटेड नहीं है, तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है बच्चों का कि अगर इस दौरान कोई बच्चा प्रॉब्लम में आ जाता है या कोई कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो उसकी टेक केयर करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर किसकी होगी। क्योंकि स्टूडेंट्स तो बच्चे पेपर देने तो जाएंगे क्योंकि उनको चिंता है अपने साल बचाने की, एनआईओएस बोर्ड अपने एग्जाम्स लेने के लिए अभी डेटशीट रिलीज करने के प्लान में है। तो मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं आपको कि
दोस्तों आपके ये जो तीन मेजर क्वेश्चन हैं, पहला कि आपको बुक्स नहीं मिली जिसके लिए आप फाइट कर सकते हैं, एनआईएस बोर्ड से क्वेश्चन कर सकते हैं, दूसरा आपका कि स्टडी सेंटर्स बंद थे, आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिली जिसकी वजह से आप अभी प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर नहीं है अपने एग्जाम्स के लिए, बच्चों के अंदर खलबली मची हुई है, राइट, कमेंट बॉक्स में चेक कर सकते हैं आप कितने सारे स्टूडेंट्स परेशान हैं। तीसरा जो मेजर क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अगर आप वैक्सीनेटेड नहीं है तो आपके एग्जाम्स के लिए आपको 50 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर कैसे भेजा जा सकता है। तो ये तीन मेजर क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आते हैं जो कि एनआईएस हेडक्वार्टर से करने हैं। अब आप आते हैं पॉइंट नंबर थर्ड पे मेरे साथ, एनआईएस विल हैव टू आंसर ऑल स्टूडेंट्स, यानी कि सभी स्टूडेंट्स को एनआईएस को आंसर देना पड़ेगा। और ये जो तीन क्वेश्चंस मैंने आपको जो अभी बताए हैं, इन्हीं तीन क्वेश्चंस के आंसर जो है एनआईएस बोर्ड को देने पड़ेंगे। दोस्तों मैं इस वीडियो को बनाने का मकसद भी आपको बता देता हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हो तुरंत इसको सब्सक्राइब कीजिए। रीजन छोटा सा ये है क्योंकि जो भी ये तीन क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, इन तीन क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आप जरूर आते हैं, आपके मन में भी इन्हीं तीनों में से कोई एक या दो क्वेश्चन हो सकता है किसी किसी स्टूडेंट के, तो ये तीनों क्वेश्चन दिमाग में चल रहे होंगे। हमारे आज एक बहुत जबरदस्त मीटिंग होने वाली है जिस मीटिंग में हम एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करेंगे एक पेज पर, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये रिप्रेजेंटेशन पेज हम तैयार कर रहे हैं। इस पेज को हम रिप्रेजेंटेशन को जाकर हम सबमिट करेंगे एनआईएस हेडक्वार्टर्स में, जहाँ के दिल्ली के बहुत सारे स्टूडेंट्स और हम लोग मिलकर वहां पर जाएंगे और वहां जाके हम ये रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे। रिप्रेजेंटेशन लगाने के बाद इन क्वेश्चंस के जो मैंने अभी आपसे शेयर किए हैं, इसके अलावा भी और कुछ क्वेश्चंस हैं, आप भी चाहे तो इसमें भाग ले सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं और नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके भी कोई ऐसे मेजर इश्यूज हैं जो इन तीन इश्यूज से थोड़े से डिफरेंट है जो आप शेयर करना चाहते हो। रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम उसको इंक्लूड करेंगे, हम आपको सराहना करते हैं कि आप लोग आए कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी प्रॉब्लम, हम उसको भी उसमें इंक्लूड करेंगे अगर वो एलिजिबिलिटी रखता होगा तो क्वेश्चन, और उसके बाद हम उसको एनआईएस बोर्ड में सबमिट करेंगे। काफी सारे दिल्ली के स्टूडेंट्स जा रहे हैं वहां पर और हम ये काम करेंगे कल तक। जब कल ये रिप्रेजेंटेशन एनआईएस हेडक्वार्टर्स में लगेगी तो एनआईएस हेडक्वार्टर्स को उसका रिप्लाई यानी कि सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें दो दिन के अंदर लिखित रूप में देना होगा, जो वो चाहे तो सोशल मीडिया पे दे सकता है या कैसे भी दे, लेकिन उसको ये दो दिन के अंदर आंसर देने होंगे। अगर दो दिन के अंदर एनआईएस बोर्ड इसका रिप्लाई नहीं करता है तो हमारे कुछ मेंस हैं जो अब हमारे साथ हैं इस मुहिम के अंदर कैंसिलेशन अक्टूबर एग्जाम 2021, कुछ ऐसे हमारे साथ लॉयर्स हैं, कुछ ऐसे लोग जुड़ चुके हैं जिनका एक पावर है, जिनकी एक बहुत बड़ी पहचान है इस इंडिया के अंदर, और वो फिर इस केस को लेके जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट नहीं जाया जाता, वहां पर जाने के लिए एक सिस्टम होता है। सबसे पहले आप एनआईएस हेडक्वार्टर्स में जाकर बात करेंगे, वहां रिप्रेजेंटेशन लगाएंगे, उनको दो दिन का टाइम देंगे कि आप हमें आंसर दीजिए, अगर दो दिन में वो रिप्लाई नहीं करते तो हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और वहां जाकर फिर ये केस जो है फाइल होगा और वहां पे पेटिशन लगाई जाएगी। सभी बच्चे एक साथ आएंगे, एक साथ आवाज उठाएंगे तो उनको प्रॉपर तरीके से एनआईएस बोर्ड आंसर भी देगा और अगर नहीं दे पाया तो सुप्रीम कोर्ट ही सभी बच्चों को कम से कम उनके हक के लिए लड़ने का मौका तो देगा और सही डिसीजन तो आप लोगों को मिल पाएगा। दोस्तों वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आज जो होने वाला है मीटिंग के अंदर वो मैंने आपको बता दिया है, इस मीटिंग का जो भी हल निकलेगा उस पर मैं शाम को एक वीडियो डालूंगा, जिस वीडियो में मैं नहीं चाहता कि आई डोंट वांट यू टू मिस दैट वीडियो दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन द इवनिंग टाइम। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन जो मैं रात को आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं शाम तक मैं वीडियो रिलीज करूंगा आप लोगों तक पहुंच जाएगी, जिसमें आज की मीटिंग का पूरा कंक्लूजन आप लोगों को मिल जाएगा। मीटिंग हमारी आज 1 से 2 बजे के बीच में है, आप चाहें तो उसका भी बन सकते हैं, उसके लिए मैं आपने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूं, आप उसमें जाइए और उसके बाद आपसे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आएंगे, वहां से हम आपको उस मीटिंग के अंदर लिंक देंगे और वो आप मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं जो गूगल मीट पे होने वाली है। राइट दोस्तों, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई अपडेशन आपको तुरंत इस चैनल पर मिलती रहे। मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूं क्योंकि आपने मुझे इतनी सराहना दी और इतना ज्यादा प्यार दिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, मैं आपका सपोर्ट तब तक करता रहूंगा जब तक कि आप अपने हक के लिए, सही हक के लिए लड़ते रहेंगे। राइट दोस्तों, एक सच्चाई का साथ देने में कोई बुराई नहीं है, इसलिए मैं आपका साथ हूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।